आपने रायते तो काफी सारे खाए होंगे, लेकिन क्या आपको रायतों की हिस्ट्री पता है? कौन सा रायता, कौन सी डिश कहाँ की? चलिए तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपका अपना दोस्त शेफ उदय, जो कि आपकी सेवा में हमेशा रहता हूँ। देने के लिए, उसकी हिस्ट्री बताने के लिए मैं हूँ। चलिए तो आज हम बात करते हैं, आज हम बनाएंगे बुरानी रायता। क्या आपको पता है बुरानी रायता क्या है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। बुरानी रायता एक साउथ इंडियन डिश है, इंडियन रायता है, जो कि हर स्टेट का अलग अलग अपना एक कुजिन होता है। और बुरानी रायते को आप हैदराबादी रायता भी बोल सकते हैं, जो कि रायते की खासियत ये है, उसमें हम लहसुन यूज करते हैं। लहसुन और दही का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। चलिए तो बगैर किसी देरी के हम बनाना करते हैं शुरू। दही हमने ले लिया है प्लेन, जो कि मैंने अमूल का यूज किया। चलिए तो अभी हम सबसे पहले डालते हैं सॉल्ट, ये कुटा हुआ ब्लैक सॉल्ट है, ये व्हाइट सॉल्ट और ये डालूंगा मैं जीरा पाउडर। यूज करना है, कूट के यूज करना है हमें। कुटे जीरे का अलग ही अपना स्वाद होता है। ये धनिया पाउडर। चलिए तो हम कर देते हैं बिक्स, अच्छे से दही को फेंट देते हैं। दोस्तों जो दही का स्वाद है ना, वो इसी मथनी का है, जो लकड़ी की मथनी है ना। आप दही की कोई भी चीज़ बनाएं, या वो रायता हो, दही भल्ला हो, कुछ भी हो एक्सपायर्ड, या दही से आपको मक्खन निकालना हो, अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, तो उसका अपना एक स्वाद होता है दोस्तों। दोस्तों दही हमने अच्छे से फेंट लिया है, अब हम बुरानी रायते का तड़के का तैयारी करते हैं। दोस्तों मैं जो ऑयल करूंगा यूज, वो करूंगा मस्टर्ड, और आपको भी याद रखना है, क्योंकि खाना जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हर एक चीज की बहुत अहम भूमिका होती है दोस्तों। चलिए तो ये आया मस्टर्ड ऑयल, करी पत्ता, ढेर सारा गार्लिक। अब ये बुरानी रायता बनेगा तो गार्लिक तो भाई जाएगा ही जाएगा। गार्लिक को हमें ब्राउन करना है दोस्तों। गार्लिक अच्छे से पूरी तरीके से ब्राउन हो चुका है, अब डालेंगे हम रेड चिल्ली। तड़का बनके तैयार है, ये आ गया तड़का, शानदार जबरदस्त तड़का। बुरानी रायता हमारा बनके तैयार है। दोस्तों आप भी ऐसे ही घर पे बनाएं बुरानी रायता शेफ उदय की रेसिपी के साथ। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।